क्रिसमस पर हम बहुत तरीके के केक बनाते हैं, उसी में से हम सभी की फेवरेट और बहुत ही पॉपुलर है बनाना चॉकलेट केक। तो आज मैं आपके साथ क्रिसमस वाली बनाना चॉकलेट केक बिल्कुल मार्केट की तरह स्पंजी और सॉफ्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन जरा हटके। बिना कोको पाउडर, बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना दही, बिना अंडा, बिना ओवन, एकदम इजी और क्विक रेसिपी जिसको आप कभी भी घर की सिंपल सी चीजों से बहुत ही बढ़िया बनाना चॉकलेट केक बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 तो ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सभी रेसिपीज की डिटेल्स, उसके मेजरमेंट, इंग्रेडिएंट्स आप आसानी से मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 केले। ये छोटे वाले मैंने केले लिए हैं, अगर आप बड़े वाले ले रहे हैं तो 2 बड़े केले ले लीजिए। तो सबसे पहले हम केले का छिलका हटाएंगे और अब हम लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में इस तरह से केले को कट करके डाल देंगे। और ये लीजिए, मैंने चारों ही केले इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसको बढ़िया से पीस कर इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से केले को बिल्कुल फाइन पीस लिया है। आप चाहें तो बिना मिक्सी केले को अच्छी तरीके से फोक या स्पून की मदद से भी बिल्कुल मैश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो आज बनाना चॉकलेट बिस्किट को मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ मैंने ली है टाइगर बिस्किट के ये 4 पैकेट, यानी अब आपको ना तो कोई अलग से फ्लेवर डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोको पाउडर, एकदम बढ़िया केक आपकी बिस्किट से तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने चॉकलेट वाली बिस्किट ली है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जैसा हाइड एंड सीक चाहे तो हाइड एंड सीक ले लीजिए, जो भी चॉकलेट बिस्किट हो वो आप यूज कर सकते हैं। और वजन से बोलूं तो ये लगभग 64 ग्राम है। तो ये 4 पैकेट मैंने लिए, ऑलमोस्ट मान के चलिए 250 टू 260 ग्राम के करीब हमारी टोटल बिस्किट है। और एक पैकेट में लगभग 16 के करीब पीसेस हैं। इस तरह बिस्किट को हल्का सा क्रश कर लीजिए, पीसने में आसानी होगी। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे हमारे क्रश्ड टाइगर बिस्किट के पीसेस को हम डाल देंगे और बढ़िया से बिस्किट का एकदम फाइन पाउडर हम तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने इस तरह से बिस्किट का बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब आगे के स्टेप में जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो आज इस केक को हम किसी ओवन कुकर में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो गैस पर आप रखें एक कढ़ाई या कोई भी भगोना हो तो आप भगोना भी ले सकते हैं, सेम प्रोसीजर से कुकर में भी बनाई जा सकती है। अब कढ़ाई में हम लगाएंगे इस तरह से कोई भी प्लेट या फिर उल्टी करके कटोरी या कोई भी इस प्रकार का स्टैंड, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई नमक वगैरह किसी की जरूरत नहीं है, सिंपल कढ़ाई में बिना इन चीजों के, ना पानी ना नमक, आप बहुत अच्छी केक बेक कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ फ्रूट केक में भी ये तरीका बताया था, बहुत ही आसान है इसको करना। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5 कप के करीब नमक बिछा करके तब आप स्टैंड लगा दें, आपकी चॉइस है। बस अब इस पे मैं लगा देती हूँ 1 लिड और इसको हम लगभग 6 से 7 मिनट के लिए इसी प्रकार लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे, यानी प्री हीट होने देंगे। तो आज इस केक को मैं बनाऊंगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल, यानी लॉग वाली शेप में। देखा है ना आपने, बनाना चॉकलेट केक लंबी सी मिलती है, बिल्कुल वैसे वैसे तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैंने सभी तरीके से आपके साथ केक शेयर की है, सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अच्छी तरीके से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। अब ये मैं एक लगा रही हूँ बटर पेपर, इससे केक निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। चाहे तो आप बिना बटर पेपर के डायरेक्टली भी बटर को इसमें डाल दें तो उस तरह भी आप केक बना सकते हैं। और बटर पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो बटर पेपर से बस यही है कि आपकी केक इजीली निकल जाएगी। तो इसको भी ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। तो चलिए, सभी चीजें रेडी हो गई हैं, तो अब बनाते हैं केक का बैटर। तो अब सबसे पहले लीजिए आप एक बोल, और बोल में जो भी हमने केले को पीसा था ना वो सारा मिक्स हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, मैंने सारा बनाना पेस्ट को निकाल लिया है और अगर कप से बोलूं तो लगभग 1 कप के करीब ये पेस्ट है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, ऑयल कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का, सनफ्लावर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं। तो 1/4 कप मान के चलिए 2 से 3 बड़े चम्मच, और अच्छे से एक विस्कर से हम इसको बढ़िया से ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, ये केक बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी टेस्टी आपकी केक तैयार हो जाती है। और इस तरह से अच्छी तरह से फेंटने के बाद आप इसमें डाल दें जो भी हमने बिस्किट का पाउडर तैयार किया था ना, धीरे धीरे करके इसे भी हम ऐड करते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे
दूध। तो ये मैंने लिया है एक कप उबला हुआ दूध, लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। सारा एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना इस्तेमाल करेंगे कि हम अपना बैटर एक रिबन कंसिस्टेंसी का, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, ऐसा हम इसका घोल तैयार कर पाए। तो थोड़ा डालिए और मिक्स कीजिए। और ये देखिए, इस प्रकार से रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लिया है। ये देखिए, गिराने पर ये बिल्कुल इस तरह से एकदम रिबन जैसे इसमें फॉर्म हो रहे हैं। बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना होगा। इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाने के लिए पूरा एक कप दूध जो मैंने लिया था इसमें लग गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट, जैसे मार्केट की बनाना चॉकलेट केक में होते हैं ना वॉलनट्स, बिल्कुल वैसे ही। तो छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं अखरोट के। अखरोट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करते हैं तो डालें, नहीं पसंद करते तो ना डालें। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैं अखरोट इसमें डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चोको चिप्स। तो मैं 2 बड़े चम्मच चोको चिप्स डाल रही हूँ। तो चोको चिप्स डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास घर में हो तो आप डाल लीजिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है, थोड़ा क्रंची और नटी लगते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने डाल लिया, आप ज्यादा डालना चाहें तो ज्यादा डाल लीजिए। तो आप इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और फाइनली हमारे बैटर में जाएगा इनो फ्रूट सॉल्ट, या हम किसी प्रकार के बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं इनो फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ। तो चाहे तो ग्रीन वाला हो पैकेट तो वो डाल लीजिए, यही रेगुलर वाला ब्लू भी डाल सकते हैं। तो पूरा 1 सेकेंड हम डाल देंगे और बिल्कुल जेंटली हल्के हाथ से हम इनो फ्रूट सॉल्ट को मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इनो फ्रूट सॉल्ट इसमें मिक्स करेंगे, आपको बैटर थोड़ा फ्लफी और वॉल्यूम्ड लगेगा। और जब भी हम इनो फ्रूट सॉल्ट या बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालते हैं तो फिर मिक्स को रखते नहीं है, तुरंत से हम अपनी केक तैयार करेंगे। यदि आप इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब हम लेंगे हमारा ग्रीस्ड केक टिन और केक टिन में पूरे बैटर को इस प्रकार डाल देंगे। और ये देखिए, मैंने पूरे बैटर को केक टिन में डाल लिया है और इस तरह ऊपर से थोड़ा सा इसको स्मूथ कर देते हैं, बार इस तरह से टैप कर देंगे जिससे एकदम ये ऊपर से स्मूथ हो जाए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा सजा देते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक करे हुए अखरोट, आप अपने मन अनुसार इसको सजा सकते हैं। थोड़े से डाल देती हूँ ऊपर से चोको चिप्स। लग रही है ना एकदम बढ़िया, खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी क्योंकि ये केले से बनी हुई है। टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, तो क्रिसमस पर तो आप जरूर बनाएं। तो ये लीजिए, इस तरह से हमारी बनाना चॉकलेट केक पूरी सज गई है। कढ़ाई भी हमारी बढ़िया गर्म हो गई है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, काफी अच्छी हीट आ रही है। अब सावधानी से हम इस केक टिन को इस प्लेट के ऊपर इस प्रकार रख देंगे। अब कढ़ाई के ऊपर मैं इस प्रकार से एक इस तरीके की बड़ी सी, मेरे पास ये बोल है आटे वाला, तो मैं इससे इसको ढक देती हूँ क्योंकि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी आप ढक्कन लेड या इस तरीके का कोई भी बर्तन इसके ऊपर ढकने के लिए रखें, साइड से स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, लगभग 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम केक को इसी प्रकार बेक करेंगे। यहाँ जरूरी बात, टाइम में ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि सभी का बर्तन, कढ़ाई, केक टिन और आपके गैस की फ्लेम वगैरह, सभी पर टाइम डिपेंड करता है। तो समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, थोड़ी पहले भी हो सकती है। तो आप लगभग 25 मिनट बाद केक को जरूर एक बार चेक कर लें, बार बार बिल्कुल ना खोलें वरना केक अच्छी तरीके से फूल नहीं पाएगी। तो चलिए अब इसको लो फ्लेम पर इसी प्रकार कुक होने देते हैं। अगर आप इस केक को ओवन बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में आप लगभग 30 मिनट के लिए केक को बेक करें। तो लगभग 30 से 35 मिनट हो गए हैं, तो चलिए केक को चेक करते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, ये देखिए क्या जबरदस्त फ्लफी स्पॉन्जी हमारी केक बनी है। तो है इसका टेक्सचर, इसका फ्लफ, जब हमने केक को भरा था, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, तो ऊपर से ये खाली थी और अब ये ऊपर तक हमारी केक आ गई है। तो सोचिए कितनी स्पंजी और फ्लफी बनी होगी। लीजिए कोई भी नाइफ या इस तरीके की टूथपिक और टूथपिक को इस प्रकार आप डालकर देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी केक बेक हुई है। अगर थोड़ी भी ये चिपकी हुई निकले तो आप 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर और बेक कर लें। तो अब हम इसको इसी तरह ओपन थोड़ी देर छोड़ देंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम अपनी बनाना चॉकलेट केक को निकालेंगे। केक हमारी ठंडी हो गई है, प्लेट पर इस तरह से उल्टा कर इसको निकाल लेंगे। वाओ, एकदम परफेक्ट। और इस तरह से इस बटर पेपर को हटा देंगे। फैंटास्टिक, देख सकते हैं कि कितनी यमी और कितनी स्पॉन्जी हमारी बनाना केक बनी है ना, एकदम स्पॉन्जी फ्लफी जबरदस्त वाली बनाना चॉकलेट केक, और वो भी इतने कम इंग्रेडिएंट से। तो चलिए अपनी बनाना चॉकलेट केक को करते हैं कट।
सुपर, मेरे काटने से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये देखिए अब आप इसके अंदर की जाली है ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और ये लीजिए, मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया है इसको काटते काटते, इतनी यमी हमारी ये केक तैयार हुई है। तो ये लीजिए हमारी सुपर सॉफ्ट चॉकलेट बनाना केक है बिल्कुल रेडी। आप इसकी लेयर्स देखिए, बनी है ना एकदम परफेक्ट। और ये देखिए सुपर बनी है ना एकदम यमी। इस बनाना चॉकलेट केक की यही खास बात है कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, 100% फेल प्रूफ रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी से मजे से आप बनाना चॉकलेट केक इस तरह से जरूर ट्राई करें, और वो भी कम इंग्रेडिएंट से, और वो भी बिना कोको पाउडर के। और मुझे जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में आपको ये बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, हेलो पर भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।